हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बायोलॉजी की परिभाषा को जानेंगे। और आज से हम लोग का क्या चीज़ बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और लास्ट अंतिम लेवल तक जाएंगे, हीरो लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के स्टार्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, यानी कि उसका परिभाषा को जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, बायोलॉजी दो शब्द से मिल के बना है, बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग। कहने का मतलब कि सभी सजीव, क्या चीज, सभी सजीव। बायो का मतलब क्या हो गया, सभी सजीव। एंड लॉजी क्या चीज, लॉजी आपका लोगस से लिया गया, क्या चीज़ से, लोगस, जो कि लैटिन वर्ड है। लोगस क्या चीज़ है, आपका लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है, लोगस का मतलब होता है स्टडी, क्या चीज़ होता है, स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन करना, पढ़ना, क्या चीज़, अध्ययन करना। क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करना, सभी सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। देखिए आपको कितना आसान भाषा में दो मिनट में आप लोग को बायोलॉजी का अर्थ बता दिए। बायोलॉजी का डिफिनेशन लिखिए तो क्या चीज़ लिखिएगा हिंदी में, कि सभी सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका बायोलॉजी कहलाता है। सभी सजीव ऑल लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। सभी सजीव कहने का मतलब क्या है, हम सबको सजीव, कुर्सी, ये मारकरी, ये बोर्ड, ये सजीव है, नहीं तो ये बायोलॉजी है, नहीं है। तो सभी सजीव का मतलब कि जिसमें सेल हो, क्या चीज हो, जिसमें सेल हो उसको क्या कहते हैं, सजीव। और क्या चीज़ हो, सेल। सेल कहने का मतलब कभी सेल क्या चीज़ है, तो सेल हमारे शरीर का सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, क्या चीज़ है, सेल। सबसे छोटा, सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज, सबसे छोटा क्रियात्मक, क्या चीज, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, क्या चीज है, इकाई है। सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा क्रियात्मक एवं रचनात्मक क्या चीज़ है, इकाई है। तो जिसमें हम सेल होगा उसी को सजीव कहेंगे, सेल नहीं होगा तो सजीव नहीं है, क्या चीज़ है, वो निर्जीव है। तो बायोलॉजी का अर्थ हम लोग क्या समझ गए, कि सभी सजीवों के बारे में ही अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, भाई बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी का डिफिनेशन देख लिए। हाँ, तो देखिए आपका सेल जो होता है लिविंग, तो लिविंग में क्या चीज़ का आपका आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका क्या चीज़ का, बैक्टीरिया का सेल आ जाएगा, क्या चीज़ का, बैक्टीरिया का सेल आ जाएगा। फंगी का आ जाएगा सेल आपका, एल्गी, प्लांट्स, एनिमल। हम लोग क्या चीज़ में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो ये सब आपका क्या चीज़ है, लिविंग थिंग्स है। इसके जो आएगा उसी को क्या कहेंगे, इसके बारे में अध्ययन करने है बायोलॉजी। आप यदि बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या चीज़ कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। फंगी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल के बारे में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, कि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। तो समझ गए, हमारे शरीर के बारे में पढ़ेंगे तो मेरा शरीर, हम क्या चीज़ है, आदमी है, और आदमी क्या चीज़ में आता है, एनिमल में आते हैं। तो हमारे शरीर के बारे में जब आप पढ़िएगा तो क्या कहलाएगा, वो बायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। तो बायोलॉजी के डिफिनेशन आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और आइए इसके अगले वाले में देखते हैं कि सेल पर आए थे, क्या चीज़, सेल। तो सबसे छोटा और क्रियात्मक रचनात्मक इकाई क्या चीज़ है, सेल है। हमारे शरीर का सबसे पहला सेल जो बनता है, हमारे शरीर का सबसे पहला सेल उस, हाँ तो देखिए, हमारे शरीर का जो पहला सेल होता है, जो पहला सेल है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ह्यूमन बॉडी का सबसे पहला सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये देखिए जीके में भी आ सकता है, आप लोग को कोई पूछ भी सकता है कि ह्यूमन बॉडी के जो सबसे पहला सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जाइगोट बोलते हैं। सबसे पहला सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, जो कि जो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। देखिए यहाँ पर आप लोग को लिख रहे हैं, निषेचन के बाद आपका क्या बनता है, जाइगोट बनते हैं। निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में, फर्टिलाइजेशन हिंदी में निषेचन। इसके बाद जो सेल बनता है
अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये भी सवाल आपका आएगा, तो देखिए बता देते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन आपका देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, मेल मेल का स्पर्म, आप स्पर्म और फीमेल का ओवा, ओवा चाहे ओवम, ओवम जब ये दोनों आपस में मिल जाएगा, ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, ये फर्टिलाइज हो जाएगा। यही निषेचन होता है कि दोनों जो मिल गए, मिलने के क्रिया को ही क्या बोलते हैं, निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन, निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जाने कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी का जो होता है उसका परिभाषा जाने, सेल मतलब इसमें थोड़ा बहुत जान लिया, सेल का डिटेल वीडियो बनाएंगे, और सबसे पहला सेल क्या होता है, जयगोट होता है, फर्टिलाइजेशन की परिभाषा भी जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि इस वीडियो से कुछ तो जरूर सीखे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही ट्रिक से रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।